आचार्य मागनंदीकृत जो शांति धारा है, और आज वर्तमान में देखा जाता है बहुत सारी नई नई शांति धारा बन गई हैं। कोई लोग उसमें वर्धमान रक्षा मंत्र जोड़ देते हैं, कोई लोग उसमें नई नई बीमारियां जोड़ देते हैं, मधुमेह है, कोरोना है, हार्ट बीट है आदि। तो अपने मन से उसमें हम मंत्र क्या जोड़ देंगे तो क्या ठीक होता रहेगा, अथवा है, बीमारी जोड़ दे तो क्या उसका प्रभाव उतना ही रहेगा? असली माल का नकली माल ही बनता है, और जो चीज़ बाजार में अच्छी तरह असली भाव में बिकती है, तुरंत कोई बेईमान व्यक्ति उसकी नकली रूप जरूर बनाता है। और नकली का कोई नकली नहीं बनाता, ओरिजिनल वस्तु यदि नकली हो तो फिर उसको कोई नकली बनाएगा? किसका नकली बनता है? असली का। तो क्या हुआ कि शांति धारा पहले कोई ज्यादा नहीं चलती थी, जब लोगों ने देखा कि शांति धारा तो ऐसी हो गई कि सारे जगत की हो गई, तो लोगों ने नकली शांति धारा बनाना शुरू कर दी। फिर सोचते हैं कि मेरी शांति धारा चले, मेरी शांति धारा चले, क्योंकि माल बहुत बिक रहा है तो हर व्यक्ति अपना मार्का चलाना चाहे। तो ये सब गलत परंपराएं हैं। जो चीज प्राचीन, ओल्ड इन गोल्ड, जो जितना प्राचीन है वो उतना ही ताकतवान है। और दूसरी बात, अभी जो वर्तमान में जो बना रहा है शांति धारा, इनको कोई ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान है। आज भक्तांबर पाठ जिन आचार्य महाराज ने लिखा था उनकी साधना, और आज भक्तांबर में जो हिंदी अनुवाद कर रहे हैं उनकी साधना में क्या अंतर? जमीन आसमान का। वो जिए हैं महाराज, वो भक्तांबर के साथ जिए हैं, साधना की है, और आज तो वो पान सुपारी खाते खाते भी अनुवाद लिख रहा है। असंयमी है, कोई संयम नहीं है, वो साधना है। तो उस समय उस वो महाराज ने, जो मागनंदी महाराज ने शांति धारा लिखी, वो उनकी तपस्या थी, उनकी साधना थी। मैं तो उनकी जब शांति धारा के बीजाक्षर देखता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। कितने महीनों इन्होंने बीजाक्षर छांटे होंगे, 52 अक्षर में से कुछ ही अक्षर बीजाक्षर के छांटे, और वो शांति धारा के लिए छांटे। उन्होंने कैसे छांटा कि यहां पर ये अक्षर लिखना है? पाको ले लिया, फा को छोड़ दिया, कैसे छोड़ा होगा? अरे चारों अक्षर फा फा वा वा, पम पम फम फम, भम भम बम बम। अब उन्होंने कैसे छांटा कि यहां पा ही लेना है, शेष फा नहीं लेना? और जब मैंने उसको सोचा कि महाराज ने कैसे किया होगा, जब उनको मैंने कई बार मैंने भी ध्यान किया, तब लगा ऐसा कि नहीं, ये कोई साधारण नहीं है शांति धारा, उनकी तपस्या का निचोड़ है। तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या, और एक दिन में नहीं हो सकता है। बरसों बरसों तक उन्होंने साधना की होगी बीजाक्षर की, तब कहीं वो पूरे 52 बीजाक्षरों में से ये कुछ बीजाक्षर शांति धारा के लिए निश्चित कर पाए। अब दूसरा शांति धारा बनाएगा तो आधी नकल तो उसी में से लेगा। उससे पूछो, भाई ये पंप क्यों लिख रहे हो? वो कहता उस शांति धारा में आया है। अरे भाई तुम बताओ ना, पंप का अर्थ क्या है? नहीं, वो तो उस शांति धारा में आया है। तो नकल उसी की करना है और लेखक स्वयं को लिखना है, ये बहुत गलत है। दूसरे के ज्ञान का अक्षर को, एक अक्षर, अक्षर का आधा अक्षर, आधे का पाव अक्षर भी यदि हमने किसी का लिया है तो उसको कभी छुपाना नहीं चाहिए, अन्यथा जो ज्ञान हमारे पास है ये ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जिसका एक अक्षर का आधा अक्षर भी कभी नहीं छुपाना, जहां से लिया है, जहां से आया है, बोल दो। चार किताबें यहां वहां की लिखी, एक किताब बता दी और लेखक फलाने चंद। अरे भाई तुम जानता क्या है जितना जितना लेखक बन गया? तो ये शांति धाराएं जो चल रही हैं, ये वर्तमान में काट छांट की शांति धारा चल रही है, अलग से कोई कारोना फाना बोलना, ये बोलने की जरूरत नहीं है। संसार की जितनी बीमारियां आती हैं, सारी बीमारियां उनके वचनों में निहित हैं संक्षेप रूप से, और उसमें सब निहित हो जाता है। इसलिए अब इन सबको जो जो ओरिजिनल शांति धारा है वही पढ़ना चाहिए, उसमें शक्ति है, उसमें ताकत है, और वही उन्होंने सोच के बनाई हुई है। यदि ये शांति धारा नहीं होती तो क्या शांति धारा बनती? फिर उपयोग जाता क्या? नहीं, उपयोग ही नहीं जाता। हाँ, उसमें यदि कोई दोष हो,
तो भाई ये शांति धारा सदोष है, इसमें देवी देवताओं का वर्णन है, इसमें असंग, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि वो नई शांति धारा बनना चाहिए। पुरानी शांति धारा पूर्णतः निर्दोष है, पूर्णतः, क्योंकि वो ग्रस्तों के लिए है, मुनियों के लिए नहीं है। हम तो तुम्हारी वकालत करने बैठ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा क्या है कि यही शांति धारा महाराज के मुख से हो जाए तो हमारा, हाँ, तो तुम्हारी शांति धारा होती भी है, ऐसी बात नहीं है। वक्ता का अलग अलग, वही शांति धारा कौन पढ़ रहा है, किसके मुख से पढ़ी जा रही है, उसका अंतर पड़ता है। बाकी हम लोगों को शांति धारा नहीं है, उसमें जो वर्णन आया है वह ग्रस्तों के लिए कोई बाधा नहीं है। हम मुनिराज अपने लिए कभी शांति धारा नहीं करवाते, करते नहीं है। हमारे लिए बहुत सारे उससे भी पावरफुल शक्तियां हैं, भक्तियां कहलाती हैं, शांति धारा से भी ज़्यादा पूर्व शांति भक्ति है, और भक्तियों में बहुत सारा भाव है। तो इसलिए ग्रस्तों के लिए प्राचीन शांति धारा ही पढ़ना चाहिए। यहाँ वहाँ के पंडितों में, यहाँ वहाँ के साधुओं में, यहाँ वहाँ के ग्रस्तों की बातों में नहीं आना चाहिए। अपन को एक सिद्धांत बनाओ, पुरानी जो जितनी पुरानी है उसको प्रमाणिक करना है। इससे भी पुरानी शांति धारा मिल जाएगी तो फिर इसको गौण कर देंगे अपन। अर्थ क्या निकला, पुरानी शांति धारा और निर्दोष है तो वही करना चाहिए, काट छांट नहीं करना चाहिए।